आदिवासी बाहुल इलाके में जात पात के भेद को बुलाकर हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान करने के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में समाज के कमजोर तबके को समरसता का संदेश दिया। संत रविदास जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में हर वर्ग के लोग शामिल हुए। संघ ने इस सम्मेलन को श्रम साधक संगम नाम दिया। सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि संत रविदास का पहला संदेश है, अपने श्रम को हल्का मत मानो, हमारे श्रम की जरूरत समाज को है। वहीं उन्होंने कहा कि हिंदू समाज मेरा कुटुंब है, श्रमिक श्रम करता है और श्रम की प्रतिष्ठा जिस देश में होती है वहीं देश उन्नति करता है। जरूर अध्ययन कीजिए, अपने भारत देश में जितने संत हुए सबका संदेश एक है, एकांत में आत्मसाधना, लोकांत में समाज की सेवा और सबको भगवान मानना, सबको प्रतिष्ठा देना, सबको अपने साथ आगे ले जाना, यही धर्म का जीवन है, यह भारत का स्वधर्म है। उस स्वधर्म पर चलने का संकल्प हम करें और यहाँ से जाए तो आज की हमारी जयंती का मनाना सार्थक हो जाएगा। ऐसा सार्थक हम सब मिलकर करें, इतना एक आवाहन आपके सामने रखता हूँ। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।